हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी कंपनी की स्टॉक को लेकर बात करेंगे जो स्टॉक फ्यूचर में दे सकते इन्वेस्टर को एक्सीलेंट रिटर्न। सारे स्टॉक फंडामेंटल वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनमें से दो स्टॉक तो ऐसा है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के अंदर अभी मार्केट में मिल रहा है, लेकिन इनमें से एक कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन चलेगा क्योंकि जिस तरह से बिजनेस ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, मैनेजमेंट का गाइडेंस जिस तरह से आया है, प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगा, अभी तो वैल्यूएशन महंगा मिल रहा है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन इन फ्यूचर ये वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही एक्सीलेंट कंपनी है सारे, इसलिए मैं सारे स्टॉक को सिलेक्ट किया है। बट ये किसी तरह की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, ये किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट एक बार जरूर करें। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर, इसलिए पार्टिकुलर डायरेक्ट किसी स्टॉक के ऊपर बाय सेल को रिकमेंड नहीं कर सकता। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं, टेक्निकल के बारे में भी जानते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अगर पॉसिबल हो तो विदाउट की वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाती तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। अपनी इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। 6329 रुपीस पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रही है। कंपनी का प्राइस देख के आप घबराइएगा मत, तो कंपनी का प्राइस शेयर प्राइस ज्यादा है मतलब वैल्यूएशन भी ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन उस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उस कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बिजनेस किस तरह से चल रही है, आगे किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड किया जाता है, ना कि प्राइस के ऊपर। इसीलिए नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी 6329 रुपीस पे चल रहा है, मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि कंपनी का वैल्यूएशन महंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत एक्सीलेंट कंपनी है, बहुत ही ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मार्केट में मिल रहा है। एक्चुअली नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड नुभामा ग्रुप की कंपनी है। देखिए फॉर्मली एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म चलाने वाली कंपनी है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड कंपनी का बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी है, देख सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म, रियल एस्टेट एंड क्रेडिट एंड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जिस तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है, जिस तरह का प्रोडक्ट के अंदर कंपनी डील कर रहा है, आगे का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है कंपनी का। चलिए एक बार फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। जस्ट 22,000 करोड़ का कंपनी, एक मिड कैप साइज का कंपनी है, लेकिन मार्केट साइज इधर से डबल होने की पोटेंशियल रखते हैं, 40,000-50,000 करोड़ भी जा सकता है। 31 के मल्टीप्लाई पी पे अभी कंपनी काम खर्च कर रही है। जिस तरह से बिजनेस के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है, अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस भी आया है, जिस तरह से मैनेजमेंट का गाइडेंस आया है, फॉरवर्ड पी अगर निकाला जाए तो इसका पी और भी कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा किसी कंपनी के जब आप फंडामेंटल देखें, हमेशा फॉरवर्ड पी के साथ कैलकुलेशन करें, ना कि करंट पी, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 723 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, ईपीएस 200 करोड़ भी क्रॉस कर गया। देखिए डेट 6746 करोड़ का डेट इधर में दिखा रहा है। बैलेंस शीट में डेट आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 2.33 चल रहा है। एक्चुअली लीगली अगर देखा जाए तो डेट बहुत ज्यादा है बैलेंस शीट, बट इसको कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। मैक्सिमम कंपनी के जो एसेट होते हैं वो लाइबिलिटी होता है, इसीलिए डेट ज्यादा ही लगेगा। किसी भी आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को उठा के देख लीजिए, फाइनेंस कंपनी को उठा के देख लीजिए, आपको बैलेंस शीट में डेट ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंसिडर करके चल सकते हैं। और बहुत बड़ा ग्रुप से आता है, डेट को मैनेज करते हुए आ रही है, 25 ईयर से डेट को मैनेज कर रहा है। प्रोमोटर के पास 55% से भी ज्यादा का शेयर है और बड़े इन्वेस्टर नुभामा वेल्थ लिमिटेड के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। देखिए प्रोमोटर तो कंटिन्यूअसली 56% स्टेक को मेंटेन कर रही है। एफआईआईज देख सकते हैं 6.73% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआईज भी देख सकते हैं 1.43% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज ही किया है थोड़ा बहुत। पब्लिक के पास 36% स्टेक है।
मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम बड़े इन्वेस्टर के हाथ में ज्यादातर शेयर है नोवामा वेल्थ मैनेज्मेंट लिमिटेड का, एंड किसी के पास एक भी शेयर प्लेज्ड भी करके नहीं रखा है। पिछले 3 साल का एवरेज ग्रोथ CAGR 31% चल रहा है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 82% चल रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का बिजनेस। फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, कंटिन्यूअसली कंपनी का बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है, अच्छा परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। चलिए एक बार कंपनी का टेक्निकल के बारे में जान लेते हैं। टेक्निकल कितना फैंटास्टिक देखिए, इधर में कंटिन्यूअसली स्टॉक हायर हाई करके ऊपर ही जा रहा है और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है। देखिए इस लेवल पे मतलब 5473 का एक ब्रेकआउट जोन था जो कि ब्रेकआउट दे दिया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, स्टॉक ने हायर हाई कर रहा है, एकदम टॉप पे बैठा है। अगर चाहे तो कोई इन्वेस्टर करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहिए नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को। अगर बाय चांस स्टॉक नीचे भी आता है तो 5473 इस लेवल पे एवरेज आउट भी करके चल सकती है, आसपास एवरेज आउट करके चल सकती है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है, आफ्टरऑल फंडामेंटल के साथ साथ नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं इधर में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक्सेलेंट कंपनी है, शेयर प्राइस अभी 2942 रुपीस पे चल रहा है। नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड पूरी तरह से एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में। देखिए कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कामकाज कर रहे हैं नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए कंपनी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी सर्विस देता है और पूरा वर्ल्ड जो डिजिटलाइज हो रहा है, लिक्विड कैश के बदले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में बोलिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में बोलिए और फाइनेंशियल सेक्टर में बोलिए, सब कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आप किस तरह से प्रीमियम पे करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, और वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है किस तरह से ट्रांजेक्शन है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, वही टेक्नोलॉजी नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं इस सर्विस का, इसलिए आगे बढ़ने की पोटेंशियल इस कंपनी का मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट 5700 करोड़ का कंपनी है, देखिए एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और जिस तरह से सेक्टर से आता है ये सेक्टर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, टेलविंड चल रहे हैं पूरे सेक्टर में, इसलिए इसका जो मार्केट साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होने का चांसेस है। अभी 153 मल्टीप्लाई पी पे नेटवर्क सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड चल रहा है। देखिए पी देख के आपको बहुत ज्यादा महंगा लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी थोड़ा बहुत तो महंगा है क्योंकि इंडस्ट्री पी अभी 37 पे है और कंपनी का पी 153 चल रहा है, इसीलिए महंगा है कंपनी का पी, लेकिन जिस सेक्टर से आता है हाई ग्रोइंग कंपनी है इसीलिए इसका पी बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है। लेकिन कंपनी का गाइडेंस जिस तरह से आया है, इन फ्यूचर रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर जिस तरह से तेजी देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड पी अगर निकाला जाए तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसीलिए पी इन फ्यूचर कम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पी देख के इस तरह के हाई ग्रोइंग कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाए तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा कंपनी के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक्सट्रीम हाई ग्रोइंग कंपनी के ऊपर, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए ये बात। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है और 60% से ऊपर चल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इस साल कंपनी ने 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस की बात करो 19 चल रहा है, ईपीएस के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ही कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इसीलिए डेट की बात करूं, जीरो डेट कंपनी है, देखिए कुछ भी डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए एकदम जीरो। नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 100% जीरो डेट कंपनी है आप कह सकते हैं। प्रोमोटर के पास 67% के ज्यादा का शेयर है, देखिए इतना ही ज्यादा अगर महंगा हो जाता, अगर कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ नहीं आता तो प्रोमोटर खुद के अपने कंपनी पे इतना ज्यादा शेयर होल्ड करता, 67% शेयर प्रोमोटर के हाथ में ही है, कितना बढ़िया शेयर होल्डिंग इधर में मेंटेन कर रही है, और देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये स्टेक को मेंटेन कर रही है। FIIs भी इस कंपनी पे 0.19% स्टेक होल्ड कर रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया है
और पब्लिक के पास 32% स्टेक है, माने मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर के हाथ में है, प्लेस्ड करके नहीं रखा है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 385% चल रहा है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ट्रिपल डिजिट पे है, बुलेट के स्पीड से नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बिजनेस ग्रो कर रहा है और पूरे सेक्टर में चल रहा है टेलविन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ओन कर रहा है कंपनी और अभी भी 5000 करोड़ का कंपनी है। देखिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में मल्टी वेगा रिटर्न जनरेट करने की। फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक के प्राइस में स्ट्रेंथनेस बना हुआ है और स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक भी किया है। देखिए इस इधर में एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न करके डबल टॉप बना के ब्रेकआउट दिया है 1675। उस दिन से स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिला, हायर हाई कर रहा है, इसीलिए करेंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो एवरेज आउट किया जा सकता है। थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे आता है तो इस लेवल पे मतलब 2445 या 50 के लेवल पे एवरेज आउट भी करके चल सकते हैं अगर नीचे आता है बाई चांस, अदरवाइज करेंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और देखिए वॉल्यूम के साथ स्टॉक इधर में ऊपर गया है जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिल जाएगा। साथ साथ और एक फायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट गाइड भी मिल जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा सिर्फ हमारे लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप मार्केट में कंटिन्यूअसली अपडेट रहना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, टाइम टू टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी केसॉल्व्स लिमिटेड, एक्सीलेंट कंपनी है केसॉल्व्स लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। 1053 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रही है। 2014 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन देता है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ही है और इस इंडस्ट्री में जो जो कंपनी कामकाज कर रहा है, अच्छा कामकाज कर रहा है, वो अभी के टाइम तो सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है लेकिन इन फ्यूचर नहीं मिलेगा। आने वाले 5 इयर्स तक मुझे लगता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत अच्छा खासा बूम आ सकता है, ये सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा और इसीलिए अभी के टाइम टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कह रहा है। और इस सेक्टर में केसॉल्व लिमिटेड एक बढ़िया कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन कौन इंडस्ट्री के लिए कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या क्या करता है, देखिए कंपनी रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ये सब इंडस्ट्री के लिए केसॉल्व लिमिटेड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करता है। और ई कॉमर्स ये सेक्टर में तो टेलविन चल रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर में टेलविन होना हो लेकिन ई कॉमर्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे सेक्टर में चल रहा है टेलविन, मतलब ये सेक्टर अगर ग्रो करेगा कंटिन्यूअसली केसॉल्व लिमिटेड के अंदर भी ग्रोथ आएगा। और रिसेंटली कंपनी का Q1 का रिजल्ट आया, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट, सुपर से भी ऊपर कंपनी Q1 में रिजल्ट पोस्ट किया है केसॉल्व लिमिटेड, इसलिए फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, 100% फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है केसॉल्व लिमिटेड का। चलिए एक बार फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए जस्ट 1200 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इधर से मार्केट साइज 10000 करोड़ जा सकता है, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न इन्वेस्टर को बना के देने की दम रखते हैं केसॉल्व लिमिटेड। 35 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, कितना सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है देखिए, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री अभी चल रहा है 37 पे और कंपनी का पी कितना 35 मिल रहा है ना सस्ते पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रिपल डिजिट पे चल रहा है भाई, क्या बात है। प्रॉफिट इस साल कंपनी ने 35 करोड़ पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस देखिए 30 पे चल रहा है, कंटिन्यूअसली ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। डेट कुछ है नहीं, 100% जीरो डेट कंपनी है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। प्रोमोटर के पास 15.8% से भी ज्यादा का शेयर, ऑलमोस्ट 59% स्टेक प्रोमोटर के हाथ में है और बड़े इन्वेस्टर भी केसॉल्व लिमिटेड के ऊपर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर तो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए ये 58% स्टेक को मेंटेन कर रहा है।
FII देख सकता है 1.55% स्टेक होल्ड कर रहा है, DII के पास 0.08% स्टेक है, पब्लिक के पास 39% स्टेक है, मतलब मैक्सिमम शेयर बड़े हैंड्स में है, साफ साफ इधर में क्लियर हो जाता है। एंड किसी के पास शेयर प्लेस्ड भी करके नहीं रखा है, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न देख सकते हैं 49% रिटर्न भी जबरदस्त मिल रहा है, और ये रिटर्न कंटिन्यूअसली होता ही चलता ही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अल्टीमेटली रिटर्न तो बहुत बढ़िया बनेगा। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 60% से ऊपर चल रहा है, बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है, एक्सट्रीम फास्ट ग्रो कर रहा है बिजनेस केसवल लिमिटेड का, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेटा ये कह रहा है। चलिए टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए, अभी तो स्टॉक बहुत दिनों से एक ही प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं इधर में एक बॉक्स ड्रॉ किया है, देखिए स्टॉक इस बॉक्स के अंदर ही काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर स्टॉक घूम रहा है, और इधर में एकोमुलेट जोन है, ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर इस जगह पर एकोमुलेट कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं, मतलब बड़े प्लेयर एंटर कर रहा है धीरे धीरे करके इस कंसोलिडेट जोन के। स्टॉक के अंदर उस दिन तेजी आएगा जब स्टॉक इस प्राइस को तोड़ देगा, मतलब 1470 के पार जब चला जाएगा स्टॉक के अंदर एक बहुत मैसिव रैली आ सकता है, अदरवाइज इस प्राइस पे आप भी एकोमुलेट करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। दोस्तों ये था तीनों स्टॉक जो आपने अपने सेक्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तीनों कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है और ब्लॉकबस्टर रिजल्ट तीनों कंपनी ने पोस्ट किया है, मैं बोल देता हूँ, और रिजल्ट अच्छा मतलब रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, तो अपने हिसाब से एनालिसिस करके सारे कंपनी में आप अपना टाइप पोजीशन बना सकते हैं। चाहते चाहते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये दो फ्री हो जाएगा, सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिलेगा, तो जल्दी चाहिए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।